ओम शांति। आपका प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र क्यों होगा? जब सतयुग शुरू होगा, लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठेंगे, उन्हें क्यों स्मृति रहेगी? जबकि बाबा कहते सतयुग वालों को, सतयुग में आने वालों को किसी को भी कैसे हम नारायण बने, कैसे हम लक्ष्मी बने, ये स्मृति नहीं रहती। ज्ञान के आधार पर उनके संस्कार बने हुए होते हैं, परंतु ज्ञान की स्मृति नहीं रहती। और विष्णु कोई प्रैक्टिकल में है ही नहीं। विष्णु तो संगम का एक मॉडल है, विष्णु तो संगम का एक मॉडल है कि जब परम पिता परम आत्मा परम धाम से इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए संकल्प करते हैं, तो उन्होंने परम धाम से चलते समय ये संकल्प किए तीन, कि मैंने अपना सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य करना है उसमें मुझे इन तीन कर्तव्यों को मुख्य रूप से करना है। ये त्रिमूर्ति, ये त्रिमूर्ति केवल और केवल क्या है कि मात्र एक मॉडल है। और वास्तव में परमपिता परमात्मा ने समझाया कि त्रिमूर्ति जो है वे एक केवल एक प्रजापिता ब्रह्मा ही है, त्रिमूर्ति और कोई नहीं। त्रिमूर्ति केवल और केवल प्रजापिता ब्रह्मा को ही कहा जाएगा। ये तीनों रोल एक ही आत्मा के द्वारा प्ले होते हैं, अलग अलग और कोई आत्मा नहीं जो इस प्रकार का रोल प्ले करे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कैसे इस रोल को प्ले करते हैं, वो हम यहां देखेंगे। ये मुरली है, एक फरवरी 2022 की, जिसमें बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा को ही क्या कहा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का, ब्रह्मा तो यहां ही है, इन तीनों मूर्ति ब्रह्मा को कहेंगे, और ब्रह्मा तो यहां ही है जिसके रथ में, जिसके रथ में आते हैं विष्णु
बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं, इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में ब्रह्मा का नाम ऊपर है। ब्रह्मा तो यहां ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? वे तो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए, गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी जाकर तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ है, देखो कैसे बैठ पढ़ाते। बात सिर्फ इतनी है कि तीनों रोल इसी प्रजापिता ब्रह्मा के हैं, और इन तीनों रोलों को पूरा करने के लिए कौन आते हैं? परमात्मा। ये जो संकल्प किया, इस संकल्प को पूरा करने के लिए नीचे दादा लेखराज के तन का आधार लेकर उनके द्वारा 33-33 वर्ष संगम युग के तीनों पार्ट उसी आत्मा के हैं। ये कोई अलग से और कोई आत्माएं नहीं है। बहुत भ्रांति फैलाई जा रही है कि विष्णु की आत्मा अलग है, ब्रह्मा की आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग है, त्रिदेव हैं, तीनों अलग अलग हैं। नहीं, दुनिया वाले भक्ति मार्ग में इन तीनों को अलग अलग समझते हैं, परंतु वास्तव में तीनों एक ही आत्मा के रोल है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, इस रोल को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने जो चित्र बनवाया, उस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये दोनों नीचे बैठे हैं। पहला रोल साकार ब्रह्मा का है, जो साकार प्रजापिता ब्रह्मा है, उसे लक्ष्य दिया गया कि तुम्हें ब्रह्मा बनना है, तुम्हें ब्रह्मा बनना है। मींस व्यक्त ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनना है, और जब अव्यक्त ब्रह्मा बना, अव्यक्त ब्रह्मा माना, हम शंकर का पार्ट शुरू, जो स्थापना का कार्य था उसको करने के बाद विनाश की तैयारियां कराना, ये भी शंकर का पार्ट शुरू। अब ब्रह्मा और शंकर को हम ध्यान से देख रहे हैं, तो ये दोनों बैठे हैं। अभी शंकर भी बैठा है और ब्रह्मा भी बैठा है, शंकर भी और ब्रह्मा भी दोनों तपस्वी रूप में बैठे, दोनों तपस्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों तपस्या कर रहे हैं, और इन दोनों का लक्ष्य क्या है? विष्णु बनना। और विष्णु को सुसज्जित चार अलंकारों में दिखाया है, जिसे बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं, बच्चे तुम पुरुषार्थी हो,
ये अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं, परंतु ये देवताओं को दे दिए हैं, विष्णु को दे दिए हैं। ये विष्णु लक्ष्य है कि हमें कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, शंख बजाकर हर एक आत्मा को ज्ञान सुनाना है, स्वदर्शन चक्र से अपने बुराइयों का गला काटना है, गदा लेकर हर वक्त आने वाली हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना है। इस अवस्था को प्राप्त करना ही ब्रह्मा का व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा का रोल है, अधिकार है, लक्ष्य है। और जब ये प्रजापिता ब्रह्मा पहले अव्यक्त ब्रह्मा या शंकर बने और फिर विष्णु सो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, विष्णु सो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जब ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो इसे कहा गया, कैसे समझाया बाबा ने हमें, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं, हमारी ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। कृष्ण की महिमा जास्ती है। और फिर 9 मार्च को बाबा क्या कहते हैं, इनको भी बाप कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती, तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो, बिन नाम रूप तुम्हारा पड़ा है, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण। मतलब विष्णु चतुर्भुज बनना या श्री कृष्ण बनना ये वर्तमान हमारा लक्ष्य है। तो आप परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं तो हमें विष्णु चतुर्भुज बनना है, तो ये लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। तो विष्णु चतुर्भुज हमारा लक्ष्य है। तो जब हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है तो हम अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, लक्ष्य भूले तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लक्ष्य की स्मृति रखना ही वास्तव में इस ज्ञान का उद्देश्य है। तो हमें समझ में आया कि ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा की बुद्धि में आदि से ये संस्कार था, आदि से संस्कार को पक्का किया कि मुझे विष्णु चतुर्भुज बनना है। भट्टी भी रखी गई कि सबको विष्णु चतुर्भुज बनना है। और विष्णु चतुर्भुज बनेंगे जो, वही सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण सभी बनेंगे जो अब विष्णु चतुर्भुज बनेंगे, तो सब नंबरवार होंगे, वहां पर सब नंबरवार होंगे। तो जब सारे नंबरवार विष्णु चतुर्भुज बनेंगे तो वो उनका जो संस्कार है
वो उनकी बुद्धि में बहुत गहरा बना हुआ होने के कारण उन्हें ये स्मृति नहीं होगी कि ये विष्णु चतुर्भुज क्या है, परंतु संस्कार के अधीन होने के कारण वे लक्ष्मी नारायण के राज्य सिंहासन के समय, तिलक लगाते समय, राजगद्दी पर बिठाते समय विष्णु चतुर्भुज का चित्र पीछे लगाएंगे, क्योंकि यह उनके संस्कार में स्मृति में रहेगा। परंतु ये उनको नहीं मालूम होगा कि ये विष्णु चतुर्भुज कौन है, क्या है, कैसे है, क्योंकि ये संस्कार उनका बहुत गहरा बना हुआ होगा। केवल इसीलिए राज सिंहासन के पीछे उसे लगाया जाएगा। ओके, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर पहले आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढें। यदि आपका प्रश्न वहां अवेलेबल ना हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।